हाय गाइस, दिस इज योमे सिन्हा। हम डिस्कस कर रहे हैं टिलेज इम्प्लीमेंट्स के बारे में, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर, जो एमबी प्लाव का एक पार्ट होता है, जो फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एमबी प्लाव हमने देखा था कि शेयर होता है, मोलबोर्ड होता है, लैंडस्लाइड होता है, फ्रॉग होता है, टैलपीस होता है। तो उसमें से जो उसका एक कंपोनेंट क्या था आपका, शेयर। तो शेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होते हैं, उसका यूटिलाइज क्या होता है, किसके क्या एडवांटेज हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स के शेयर मैंने बताया था, स्लिप, स्लिप नो, सीन और बार टाइप ऑफ शेयर, तो उसी को कंटिन्यू का वीडियो कंटिन्यू करते हुए हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसी के आगे। तो ये क्या चीज़ आपका, मोल बोर्ड। तो मोल बोर्ड ये भी है एक, जो मोल बोर्ड प्लाउ है उसका एक कंपोनेंट है। क्या चीज़ आपका, मोल बोर्ड। तो मोल बोर्ड क्या होता है, द मोल बोर्ड इज दैट पार्ट ऑफ प्लाउ विच रिसीव द फर्टिलाइज फ्रॉम द शेयर। शेयर का काम क्या होता है, जैसे कि मैं बताया था आपको लास्ट लास्ट क्लास में या फिर लास्ट वीडियो में, कि जो कटिंग करने का काम होता है, जो पेनिट्रेशन का काम होता है सॉइल में जो पेनिट्रेट करता है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, शेयर पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद जो शेयर होता है वो सारा चीज़ अपने, जो शेयर होता है वो फर्रो स्लाइस या सॉइल को कट करने का काम करता है। तो आफ्टर कटिंग, जब शेयर पॉइंट शेयर सॉइल को कट कर देता है फर्रो स्लाइस में, तो जो फर्रो स्लाइस को क्या करता है, ये मोल्ड बोल्ड क्या करता है, उसको रिसीव करता है। इट लिफ्ट टर्न एंड ब्रेक द फर्रो स्लाइस। वो रिसीव करने के बाद क्या करेगा, उसको लिफ्ट करेगा, उसके बाद उसको टर्न करेगा, देन उसको ब्रेक करके वो पल्वराइज कर देता है। क्या चीज आपका, मोल्ड बोर्ड। टू सूट डिफरेंट सॉइल कंडीशन एंड क्रॉप रिक्वायरमेंट, मोल्ड बोर्ड हैज डिजाइन इन डिफरेंट शेप। द मोल्ड बोर्ड इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आपको मोल्ड बोर्ड जैसे कि इमेजेस में दिख रहे हैं, एक आपका जनरल पर्पस हो गया, दूसरा स्टबल टाइप हो गया, तीसरा आपका सोड और ब्रेकर टाइप, एंड द लास्ट वन इज अ स्लेट टाइप। तो डिफरेंट टाइप के मोल्ड बोर्ड होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट या फिर अकॉर्डिंग टू सॉइल कंडीशन वेरी करता है। फिर उसको अकॉर्डिंग टू सॉइल कंडीशन उसको अलग अलग टाइप से डिजाइन किया गया है, ताकि वो उस पर्टिकुलर सॉइल, जो पर्टिकुलर सॉइल है वहाँ पर, उसको अच्छे तरीके से पल्वराइज कर सके, या फिर उस वहाँ पर जो क्रॉप की रिक्वायरमेंट क्या है, लो पल्वराइजेशन चाहिए, मीडियम पल्वराइजेशन चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा पल्वराइजेशन चाहिए, और कहीं पर सॉइल टफ है तो किस टाइप का मोल्ड बोर्ड होना चाहिए, कहीं स्टिकी सॉइल है तो किस टाइप का मोल्ड बोर्ड होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, हमारे कहीं पर भी हो, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के बाद जो सॉइल की प्रॉपर्टीज है वो चेंज होती जाती है। तो जैसे कि एक आपका, आप अगर जैसे कि फर्स्ट टाइप का आप मोल्ड बोर्ड के बारे में डिस्कस करें कि जनरल पर्पस मोल्ड बोर्ड, तो क्या होगा, अगर सॉइल की कंडीशन नॉर्मल है तो वहां पर अपन क्या यूज करेंगे, जनरल पर्पस मोल्ड बोर्ड, या फिर जो जनरली जो जनरल कोई काम ले रहे हैं, अगर टिलेज करना है आपको प्राइमरी टिलेज विद द हेल्प ऑफ मोल्ड बोर्ड प्लाउ, तो वहां पर अपन जनरल पर्पस का जो मोल्ड बोर्ड है उसको यूज करेंगे। बट अगर कहीं पर हार्ड सॉइल आ गया, या फिर ऐसा सॉइल है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा वेजिटेटिव कवर है, या फिर जो बैरन लैंड है जिसको बंजर भूमि कहते हैं, अनप्रोडक्टिव लैंड है, तो वहां पर फिर जनरल पर्पस का जो मोल्ड बोर्ड है उसको यूज करना क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, या फिर उसमें डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। तो ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए क्या गया है, ऐसे जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या हो गए, मोल्ड बोर्ड क्या होते गए, इंट्रोड्यूस होते गए। तो सबसे पहला अपना क्या है, जनरल पर्पस टाइप मोल्ड बोर्ड। तो जनरल पर्पस जो मोल्ड बोर्ड होता है उसको जनरली अपन जो नॉर्मल वर्क के लिए, फिर लाइट वर्क के लिए यूज किया जाता है। क्या चाहिए आपका, जनरल पर्पस जो मोल्ड बोर्ड है, इसका डिजाइन सिंपल सा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज पे दे सकते हो। ये वाला पोर्शन क्या होता है आपका, शेयर होता है, ठीक है। तो जो शेयर पॉइंट होता है वो पेनिट्रेट करने का काम करता है, उसके बाद जो शेयर है वो फर्रो स्लाइस को कट करेगा। तो जैसे ही फर्रो स्लाइस को कट करता है, तो ये वाला जो पोर्शन उसको क्या करेगा, सबसे पहले तो उसको रिसीव करेगा कहाँ से, शेयर से, देन उसको लिफ्ट करेगा, देन टर्न करेगा, फिर उसको पल्वराइज कर देगा। तो ये तो हो गया आपका जनरल पर्पस मोल्ड बोर्ड। सेकंड है आपका क्या चीज, स्टबल टाइप। तो जैसे कि नाम में लिखा हुआ स्टबल टाइप, जो स्टबल सॉइल होते हैं वहां पर, जो स्टबल सॉइल है वहां पर आपका क्या होता है, स्टबल टाइप मोल्ड बोर्ड यूज होता है। यहां पर आप जनरल पर्पस यूज नहीं कर सकते, अगर आप जनरल पर्पस यूज करोगे तो उसको ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आएगा, प्रॉपर पल्वराइजेशन नहीं होगा। तो ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए जो स्टबल सॉइल होता है वहां पर अपन किस टाइप का मोल्ड बोर्ड यूज करते हैं, स्टबल टाइप का मोल्ड बोर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, सोड और ब्रेकर टाइप। तो जो सोड और ब्रेकर टाइप, जो टफ सॉइल होता है, जो हार्ड सॉइल होता है, जिसका अपर सरफेस बहुत टफ होता है, और या फिर उसमें बहुत ज़्यादा ग्रासी लैंड हो, तो जो सोड ब्रेकर क्या होता है, एक तो उसका डीप पलराइजेशन होता है, सेकंड उसको कम्प्लीटली टर्न कर देता है सॉइल को,
है ना। तो जो सोड इन ब्रेकर टाइप है, या तो आपका टफ सोइल है वहां पर यूज होगा, या फिर कोई ग्रासी लैंड है जिसके ऊपर वो ज्यादा वेजिटेटिव कवर है, तो उसको कंप्लीट उस पूरे वेजिटेटिव को ही कवर कर देता है ऐसे टर्न करके सॉइल को। तो इस टाइप का जो सोड और ब्रेकर टाइप है वो आपके टफी सॉइल में यूज होगा। एंड द लास्ट वन इज क्या है आपका, स्लेट टाइप। जैसे कि स्लेट टाइप में यहाँ पर आप इसका डिजाइन देखो, ये जैसे कि ये ऐसे स्लेट टाइप से ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्लेट टाइप है ये कहाँ पर यूज होता है, स्टिकी सॉइल में। स्टिकी सॉइल में क्या होता है, जैसे कि स्टिकी, आप अगर स्टिकी सॉइल है वहां पर आप मोल्ड बोल चला रहे हो, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि जो सॉइल स्टिकी होने के कारण वो मोल्ड बोल में चिपकता है, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को रिक्लिमेट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्लेट टाइप का मोल्ड बोर्ड यूज करते हैं। इसमें जो स्लॉट्स बने हुए हैं, तो इससे क्या होता है जो सॉइल स्टिकी सॉइल है वो मोल्ड बोर्ड पे चिपकता नहीं है, और वहां पर आप जो प्लॉविंग है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्लेट टाइप मोल्ड बोर्ड। तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्ड बोर्ड। तो जैसा कि आपके एग्जाम में आता है राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्ड बोर्ड, तो आप चार नाम लिख देना, या फिर अगर सिंपल से डेफिनेशन लिखने आया तो मैं डेफिनेशन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। द मोल्ड बोर्ड इज दैट पार्ट ऑफ प्लाउ विच रिसीव द फरो स्लाइस फ्रॉम द सेयर, इट लिफ्ट टर्न एंड ब्रेक द फरो स्लाइस टू सूट डिफरेंट कंडीशन इन क्रॉप रिक्वायरमेंट। मोल्ड बोर्ड हैज बिन डिजाइंड इन डिफरेंट शेप। द मोल्ड बोर्ड इज द फॉलोइंग टाइप, जनरल पर्पज, स्टबल टाइप, सोड और ब्रेकर टाइप और स्लेट टाइप। ये तो चार टाइप के मोल्ड बोर्ड होते हैं, अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये चारों के बारे में आपको लिखना है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अपन, जो नेक्स्ट कंपोनेंट वो क्या हो गया, मेन तो हो गया आपका सेयर और मोल्ड बोर्ड, उसके बाद है आपका लैंड साइड, फ्रॉग और टेलपीस। जनरली इसके जो लैंड साइड होता है वो क्या करता है, जो प्लाव में जो साइड ड्राफ्ट जनरेट होता है, ठीक है ना, जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है उसको क्या करता है, बियर करने का काम करता है। इट इज द फ्लैट प्लेट विच बियर्स अगेंस्ट एंड ट्रांसमिट लैटरल थ्रस्ट ऑफ द प्लाउ बॉटम ऑफ द फरो वॉल। जब अपन टिलेज इंप्लीमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो जब उसको ट्रैक्टर से हीच करते हैं, तो एक साइड फोर्स जनरेट होता है वहां पर, कि कहाँ किसमें, इंप्लीमेंट पे। जैसे कि अपन एमबी प्लाउ यूज कर रहे हैं, तो एमबी प्लाउ को जब फील्ड में ऑपरेट करेंगे, तो उसमें जो प्लाउड लैंड है और जो अनप्लाउड लैंड है इसके बीच में एक जब अपन उसको हीच करते हैं, तो जो सॉइल है वो किसके ऊपर फोर्स लगाता है, आपके प्लाउ के ऊपर, या फिर तो उसी फोर्स को बियर करने के लिए जो लैंड साइड रहता है उसका काम वही होता है कि जो फोर्स आ रहा है उसको क्या करता है, वो बियर करता है, ठीक। आपका नेक्स्ट क्या है आपका, फ्रॉग। फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग इज दैट पार्ट ऑफ प्लाउ बॉटम टू विच द अदर कंपोनेंट ऑफ द प्लाउ बॉटम आर अटैच्ड। तो फ्रॉग एक इरेगुलर पीस ऑफ मेटल होता है, जिसमें क्या करते हैं अपन जो सारा जो कंपोनेंट है, जैसे कि आपका शेयर हो गया, मोल्ड बोल्ड हो गया, लैंड साइड हो गया, ये सारे चीज को क्या करते हैं उसमें अटैच करते हैं, जस्ट लाइक अ हब, हब की तरह काम करता है। क्या चाहिए आपका, फ्रॉग। हब इज ए होल्डिंग डिवाइस, देन फ्रॉग क्या होता है, इरेगुलर पीस ऑफ मेटल होता है, जिसमें अपन सारे जो डिफरेंट कंपोनेंट है आपका, मोल्ड बोर्ड हो गया, शेयर हो गया, आपका लैंड साइड हो गया, ये सारे चीज को कहाँ, किसमें, अपन विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट वहां पर फ्रॉग में अपन उसको टाइट कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या चीज, टेल पीस। इट इज एन इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ मोल्ड बोर्ड विच हेल्प्स इन टर्निंग ए फरो स्लाइस। देखो जो टेल पीस होता है वो सारे टाइप के मोल्ड बोर्ड, मतलब सभी मोल्ड बोर्ड में यूज नहीं करते, या फिर सभी जगह उसको यूज नहीं किया जाता। जिस फील्ड में आपको, जिस कोई भी फील्ड वहां पर आपको पल्वराइजेशन ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, या फिर सॉइल को अच्छे से टर्न करना है, वहां पर अपन क्या करते हैं, जो मोल्ड बोल्ट के एक एंड में अपन क्या करते हैं, टेल पीस लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ मोल्ड बोल्ट है, विद द हेल्प ऑफ ये फरो स्लाइस को टर्न करने, मतलब एक टाइप से एसेसरीज नहीं बोल सकते, बट इसको अच्छे से सॉइल को टर्न करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, टेल पीस को मोल्ड बोल्ट पे माउंट कर देते हैं। तो यहाँ पर अपना ये जो मोल्ड बोर्ड के जो पांच कंपोनेंट है इसके बारे में सारा डिस्कस हो गया। सबसे पहला आपका क्या था, सेयर, देन मोल्ड बोर्ड, देन लैंडस्लाइड, देन फ्रॉग, देन टेल पीस। तो ये आपके पांच कंपोनेंट है, अगर कंपोनेंट ऑफ एमबी प्लो लिखने आया तो ये पांचों का नाम लिख देना, और अगर पर्टिकुलर सेयर या फिर एमबी प्लो के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अगर पर्टिकुलर मोल्ड बोर्ड के बारे में पूछा, तो डिफरेंट चार्ट फॉर्म जो फोर टाइप्स ऑफ मैंने मोल्ड बोर्ड बताए हैं पहले वाले साइड में उसको लिखना, और अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेयर पूछा जाए अगर आपके एग्जाम में, तो जो चार टाइप का सेयर बताया था, स्लिप, स्लिप नो सीन और बार टाइप, उसके बारे में लिखना। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं प्लाउ एसेसरीज। प्लाउ एसेसरीज इट मींस प्लाउ में अपन क्या किया, जैसे कि जस्ट लाइक आप मोबाइल एसेसरीज जो होता है ना, कवर हो गया, ग्लास गार्ड हो गया, ये सब एसेसरीज होते हैं किसके, मोबाइल के, उसी टाइप से हमारे प्लाउ में भी कुछ एसेसरीज होते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि
प्लाउ एसेसरीज क्या क्या होता है। तो एक तो आपका ज्वाइंटर होता है, एक हो गया आपका काउल्टर। तो ज्वाइंटर क्या होता है, इट इज ए स्मॉल इरेगुलर पीस ऑफ मेटल हैविंग अ शेप सिमिलर टू एन ऑर्डनरी प्लाउ बॉटम, इट लुक्स लाइक अ मिनिएचर प्लाउ। जैसे कि आपका जो प्लाउ दिखता है ठीक है ना, तो उसी एज इट इज एक स्मॉल छोटा सा प्लाउ होता है जो कहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला डायग्राम है, ये काउंटर का डायग्राम है। काउंटर जनरली दो टाइप का होता है, पहले अपन काउंटर को डिस्कस कर लेते हैं फिर ज्वाइंटर के बारे में बताऊंगा। तो काउंटर क्या होता है, इट इज ए डिवाइस यूज टू कट द फरो स्लाइस वर्टिकली फ्रॉम द लैंड अहेड ऑफ प्लाउ बॉटम। द काउंटर मे बी रोलिंग टाइप डिस्क काउंटर एंड स्लाइडिंग टाइप नाइफ काउंटर। ठीक है, तो ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक क्या हो गया आपका डिस्क टाइप का है और ये क्या है आपका नाइफ टाइप का है। देखो इसका काम क्या होता है, एक फरो स्लाइस कट करता है ताकि जो अपना एमबी प्लाउ है एक प्रॉपर लाइन पे चल सके। ठीक है, तो ये जो काउंटर होता है दो टाइप का होता है, जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम में देख सकते हो ये क्या है आपका मोल बोल प्लाउ। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है आपका काउंटर लगा हुआ है। ये जस्ट इसके जस्ट करीबन थोड़ी ही मैं 5 10 से 15 सेंटीमीटर फॉरवर्ड में आपका क्या लगा हुआ है, काउंटर लगा हुआ है। ये रोटेटिंग डिस्क टाइप काउंटर है और ये जो है ये क्या है आपका नाइफ टाइप का है ना। तो ये तो हो गया आपका काउंटर, ये डिस्क टाइप और ये नाइफ टाइप। जस्ट लाइक जो ज्वाइंटर होता है, ये जैसे कि यहाँ पर ये काउंटर दिख रहा है ना, यहीं पर माउंट रहता है। जो मोल बोल प्लाउ होता है वैसे ही एक छोटा सा मिनिएचर प्लाउ रहता है छोटा सा, जिसको अपन कहाँ कर जो ये काउंटर दिख रहा है ये डिस्क को, यहीं पर उसको क्या करते हैं अपन माउंट करते हैं। तो ये प्लाउ एसेसरीज हो गया आपका कुछ कुछ, ज्वाइंटर काउंटर मेनली दो ही। अगर प्लाउ एसेसरीज आया तो इसको लिखना, या फिर अगर पर्टिकुलर नाम से पूछा गया कि ज्वाइंटर क्या है फिर काउंटर क्या है, तो आपको ये ज्वाइंटर और काउंटर के बारे में लिखना पड़ेगा कि जो कि क्या होता है आपका प्लाउ एसेसरीज है। या फिर आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, राइट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ प्लाउ एसेसरीज या फिर डिफरेंट प्लाउ एसेसरीज करके। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या चीज, गेज व्हील लैंड व्हील फ्रंट फरो व्हील एंड रियर व्हील। ये भी आपके प्लाव ऐसे सीरीज ही हैं कि गैज व्हील क्या होता है, लैंड व्हील क्या होता है, फ्रंट फरो व्हील और रियर फरो व्हील। गैज व्हील इट इज एन ऑक्सिलरी व्हील ऑफ इंप्लीमेंट टू मेंटेन ए यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ वर्किंग। जो गैज व्हील होता है वो क्या काम करता है, जो यूनिफॉर्म डेप्थ होता है उसको मेंटेन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं पर भी टीएज ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जनरली जो मोल बोल प्लाव की बात करें तो वो 20 से 25 सेंटीमीटर के डेप्थ पे वर्क करता है। ठीक है, मतलब मोर देन 15 सेंटीमीटर अगर आपका प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है तो प्रॉपर डेप्थ को अगर मान लो कि जो आपका जो इंप्लीमेंट है वो 20 सेंटीमीटर डेप्थ पे वर्क कर रहा है, तो वो कंटिन्यूसली 20 सेंटीमीटर डेप्थ पे ही वर्क करे। इस चीज को क्या मेंटेन करता है आपका, जो गैज व्हील है वो मेंटेन करता है। नेक्स्ट है आपका क्या चीज, लैंड व्हील। इट इज द व्हील ऑफ द प्लाउ विच रन ऑन द अनप्लाउड लैंड। जैसे कि जब हम प्लाउ करते हैं तो जो लैंड पे ऐसे एक साइड से ऐसे प्लाउ होते जाते हैं और दूसरे साइड में क्या रहता है, एक साइड में आपका अनप्लाउड रहने रहता है। जो लैंड व्हील होता है वो उस प्लाउ को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, तो एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये जो लैंड व्हील है ये जो अनप्लाउड लैंड होता है उसमें उसके ऊपर रन करता है। नेक्स्ट स्टेप का फ्रंट फरो व्हील। इट इज द फ्रंट व्हील ऑफ द प्लाउ विच रन इन द फरो। जो फरो व्हील होता है, एक फ्रंट फरो व्हील होता है, एक रियर फरो व्हील होता है। जो फरो व्हील होता है, जो आपका फरो फॉर्म होता है प्लाउइंग के बाद, वहां पर ये क्या करता है, रन करता है। फ्रंट फरो व्हील होता है वो मोल बोल प्लाउ के फ्रंट में लगा रहता है, एक इसके एक रियर में भी व्हील लगा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रियर फरो व्हील। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट एडजस्टमेंट ऑफ मोल बोल प्लाउ। अब जैसे कि मोल बोल प्लाउ को अपने को फील्ड में वर्किंग उसको ऑपरेट करना है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे एडजस्टमेंट होता है जो सारे इंप्लीमेंट या फिर मशीन में अपन एडजस्ट करते हैं। तो हमारे मोल बोल में भी क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट होता है फॉर प्रॉपर पेनिट्रेशन एंड इफिशियंट वर्क बाई मोल बोल प्लाउ। सम क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड इन द प्लाउ, दिस क्लियरेंस इज कॉल्ड सक्शन ऑफ द प्लाउ। सक्शन इन मोल बोल प्लाउ इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है ना, तो प्रॉपर पेनिट्रेशन हो, उसकी जो वर्किंग विड्थ हो प्रॉपर हो, ये सारे चीज को मेंटेन करने के लिए हम मोल्ड वोल्ड में थोड़ा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। तो वो जो एडजस्टमेंट एक क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो वो उस क्लियरेंस को अपन क्या बोलते हैं, सक्शन बोलते हैं। तो ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक तो हो गया आपका वर्टिकल सक्शन और दूसरा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सक्शन। तो यहाँ पर जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो ये क्या है आपका, किस चीज़ का डायग्राम है, वर्टिकल सेक्शन का, और ये किसका डायग्राम है आपका, हॉरिजॉन्टल सेक्शन का। तो वर्टिकल सेक्शन, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड मेजर्ड एट द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ सेयर एंड लैंड साइड।
इट हेल्प्स द प्लाउ टू पेनिट्रेट इन टू द सॉइल टू ए प्रॉपर डेप्थ। देखो वर्टिकल सेक्शन क्या होता है, कोई भी एम बी, ये जैसे कि एम बी प्लाउ है आपका, ये क्या है आपका लैंड साइड और ये क्या है सेयर, तो जिस पॉइंट पे लैंड साइड और सेयर मीट करते हैं वहां पर से लेकर जो आपका ग्राउंड सरफेस का जो मैक्सिमम क्लियरेंस होगा, ठीक है ना, जो क्लियरेंस होता है वो क्या कहलाता है आपका वर्टिकल सक्शन, मेजर्ड एट द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ सेयर एंड लैंड साइड। तो जो लैंड साइड और सेयर के ज्वाइनिंग पॉइंट होता है वहां पर से जो ग्राउंड सरफेस है उसके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है आपका वर्टिकल सक्शन, और ये क्या चीज में के लिए हेल्प करता है, पेनिट्रेट इन टू द सॉइल टू ए प्रॉपर डेप्थ। प्रॉपर डेप्थ में पेनिट्रेशन के मतलब पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है, मतलब अगर आपको डेप्थ कम या ज्यादा चाहिए तो अपन उसको आप उसको कहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, वर्टिकल सक्शन से। अगर आप वर्टिकल सेक्शन इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो इससे क्या चीज इफेक्ट होगा आपका, जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है उसको इफेक्ट करेगा क्या चीज आपका वर्टिकल सेक्शन। सेकंड है आपका क्या चीज हॉरिजॉन्टल सेक्शन, इट इज द मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन द लैंड साइड एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन टचिंग पॉइंट ऑफ सेयर एट इट्स गनल साइड एंड हील ऑफ लैंड साइड। दिस सेक्शन हेल्प्स द प्लाउ टू कट द प्रॉपर विड्थ ऑफ फरो स्लाइस। जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है वो किसको इफेक्ट करता है आपके विड्थ ऑफ कट को, जो वर्टिकल सेक्शन था वो डेप्थ को इफेक्ट कर रहा था और जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है वो किसको इफेक्ट करता है आपके विड्थ को। अगर आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो इससे आपका डायरेक्ट किस पे इफेक्ट पड़ेगा, विड्थ पे इफेक्ट करेगा, विड्थ या इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो ये कुछ एडजस्टमेंट हो गया। इसके अलावा एक और एडजस्टमेंट क्या होगा आपका थ्रोट क्लियरेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सेयर एंड लोअर पोजिशन ऑफ द बीम ऑफ द प्लाउ। ये वाला पोर्शन क्या है आपका, ये देखो ये आपका ग्राउंड सरफेस हो गया, ये सेयर हो गया, तो ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पॉइंट ऑफ सेयर, ये पॉइंट ऑफ सेयर ये हो गया, एंड लोअर पोजिशन ऑफ द बीम, ये क्या है आपका बीम, तो ये हो गया आपका लोअर पोजिशन। तो ये दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रोट क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।